नरेला विधानसभा के विधायक क्षेत्र की जनता के लिए रोड नहीं बनवा पा रहे विधायक, लेकिन क्षेत्र में जहां गोदाम बनाए जा रहे हैं जो कि रेवेन्यू के नक्शे में भी जो रास्ते नहीं है उन रास्तों को बनवाया जा रहा है, लेकिन जो रास्ते सालों से सरकारी कागजों में है उन रास्तों को नहीं बनवाया जा रहा, जबकि यह रास्ते सालों से टूटे हुए हैं। क्षेत्र की जनता परेशान है। कई बार विधायक और डीएम को ज्ञापन सौंप चुके, एलजी को भी कई बार ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन जवाब में यही दिया जाता है कि यदि नरेला विधानसभा में यदि कोई बजट आता है तो वह बजट इन सड़कों पर लगाया जाएगा, लेकिन वह बजट जो हरे भरे खेतों में गोदाम बनाए जा रहे हैं वहां पर रोड बनाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से क्षेत्र की जनता ने अलीपुर एसडीएम को भी अपनी बात रखी और कहा कि हमारे क्षेत्र की सड़कें टूटी हुई है, इससे लोग परेशान है, धूल उड़ती है, विधायक जी हमारी बात नहीं सुनते, लेकिन वह कहीं ना कहीं जो गोदाम बनाए जा रहे हैं उन लोगों को फायदा पहुँचा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? क्षेत्र के लोगों से जाना। नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 5 और 4 के बकोली, हमीदपुर, जिंदपुर और अलीपुर की कई सड़कें टूटी हुई है, खस्ता हालत में है, लोग सालों से परेशान है लेकिन समस्या का समाधान कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है, जिसमें कुछ रोड पीडब्ल्यूडी का अधीन आते हैं तो कुछ एमसीडी व विधायक अपने फंड से भी बनवा सके हैं, लेकिन इन सभी बातों की जानकारी क्षेत्र के विधायक को भी है, लेकिन वह इन सड़कों को बनाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि वह जहां गोदाम बनाए जा रहे हैं उन लोगों को फायदा कहना नहीं पहुंचा रहे हैं, जबकि क्षेत्र की जनता ने अपनी कीमती वोट देकर जीत जिताया है। क्षेत्र की जनता के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? लेकिन वो चीज़ ये बोलते हैं कि प्रशासन हमारी मुट्ठी में है, जब नियम चुके पुलिस वाले यही रहते हैं, कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं होती, बहुत ज़्यादा फेसफुल हो चुकी है। अब इलेक्शन के दिन भी हमारे यहाँ देखा, हमने गोदामों की तरफ रोड बनाए, हमारे गांव का महल रोड पर कोई सुविधा नहीं किसी प्रकार की। तो आपसे निवेदन है, अगर हमारे एमएलए साहब के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है तो प्लीज़ करवाइए आप उसको। आप अगर आप यहाँ से निकले देखना, इस तरफ दोनों तरफ गोदाम बने हुए हैं, रोड क्लियर बने हुए, क्योंकि हमारा एमएलए अपनी मिली भगत से ही है गोदाम बनवा। परेशानी आम जनता को है, कोई सुनवाई किसी भी प्रकार की। मेरा नाम है अशोक टोकस। कौन से रोड की? जिस पर आप खड़े हैं, मुखमेलपुर से जिंदपुर जाने वाला है। नहीं, बढ़िया रोड है, मुखमेलपुर से जिंदपुर वाला रोड बढ़िया रोड है, इसमें बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, रोड बढ़िया है। दिल्ली सरकार ने खासकर नई विधानसभा में बढ़िया काम करा है, बहुत अच्छे काम करा है, हमारे विधायक के अंतर्गत आता है रोड, अच्छा रोड बना हुआ है, बढ़िया बता रहे हैं। 10 साल से लोग जा रहे हैं, शिकायत पे शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन मैं तो फिर भी कह रहा हूँ रोड बढ़िया है। ये तो थोड़ा बहुत बारिश भी हुई तो टूट टाट गया, रोड तो बहुत बढ़िया है, अच्छा रोड है ये। अब देखो दिल्ली सरकार ने काम किए हैं और विधानसभा में हमारे नरेला में इतने काम हुए हैं कि मैं आपको गिनवा नहीं सकता, इतने अच्छे काम हुए हैं। क्या कागजों में बनवाएंगे या फिर जमीनी स्तर पर बनवाएंगे? कागजों में, अब कागजों में ही बन जाएगा। अब देखो वहाँ गोदामों में रोड बन लग रहे हैं, देखा कभी? देखो गोदामों में जहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ वहाँ भी हम काम करा रहे हैं। अच्छा, और क्या, जहाँ पे कोई नक्शा नहीं कुछ नहीं वहाँ भी रोड बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, रोड हर जगह बनेंगे। लेकिन इस तरह के जो मेन रोड है ये रोड ऐसे प्रेस के बने रहेंगे। अच्छा, हाँ ये तो बिल्कुल बढ़िया रोड बना हुआ है। इसमें पता क्या, ऐसे चलने से क्या होता है, एक्सीडेंट भी कम होते हैं, गाड़ी धीरे धीरे चलती है, आप ये सोचो। बिल्कुल, हाँ इसमें गाड़ी धीरे धीरे चलती है और हादसे भी इसमें हमारे विधायक जी हादसे होने के रोड से बता रहे हैं, ताकि कोई हादसा ना हो, गाड़ी सब धीरे धीरे चलाएंगे, तो इसलिए रोड बढ़िया है। तो जब पानी भरता है तो समय पानी भरता है, देखो पानी जरूरी है, पक्षियों के लिए पानी है, जो पशु घूमते रहते हैं वो, उनको पानी मिलता नहीं आजकल, कोई पहले तो रोड पर रोड होते रोड खत्म हो गए, इसलिए पानी का भी इंतजाम कर लेते हैं, इसलिए वो रोड पर भरा रहे। हाँ रोड पर भरा रहेगा, आसपास में भर जाता है खड्डे खुड्डे में, तो उसमें पानी जो पक्षी जो होते हैं या जानवर होते हैं वो पानी पी लेते हैं। ठीक है, मेरा नाम सतपाल सिंह सिसोदिया है। हमारे यहाँ अलीपुर से जिंदपुर जाने वाले रोड की बहुत जर्जर हालत हुई हुई है, और वो भी कई सालों से हम प्रयास कर रहे हैं, इसकी एलजी तक भी हम लोगों ने चिट्ठी दे दी, डीएम साहब को भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, विधायक जी को, क्षेत्रीय जो विधायक अपने हैं उनको भी हम इसकी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी उनको ना सुनने की आदत है ना इस काम को करवाने की आदत है। जब भी हम विधायक जी के पास चिट्ठियाँ लिखते हैं या बोलते हैं तो यही जवाब आता है कि भी एक बजट आएगा इसका, और इसकी 1100 करोड़ रुपए की कुछ फाइल लगी हुई है जिससे कि इस नाले का लाइट का काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक हम अपने पूरे क्षेत्र के अंदर देख रहे हैं कि भी जो एग्रीकल्चर पर गोदाम बनाए जा रहे हैं उन गोदामों के तो बहुत अच्छे रोड वो बना करके दिए जा रहे हैं, और इन जो रेजिडेंशियल जो लोगों की समस्याएं हैं, जो लोग चुन करके इनको अपने प्रतिनिधि बनाते हैं, क्षेत्र के विधायक बनाते हैं, उन लोगों के लिए रास्तों का कोई बजट ही नहीं आता, और उन गोदामों के लिए बजट कहाँ से आ जाता है इनके पास में, कोई ये पूछने वाला हो। हम लोग काफी सालों से इसका प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती इसके ऊपर, और क्षेत्र के लोगों में एक आक्रोश भी है,
कि भी इन रोडों का काम क्यों नहीं होता क्षेत्र में। हमारे अलीपुर से जींदपुर वाला ही रोड नहीं बल्कि इस क्षेत्र में कई गांव के ऐसे रोड हैं जो गांव को जोड़ते हैं और जो रोड नहीं बने हुए हैं।